दर्शक बंधु, नो द बार्ड्स टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शक बंधु, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दर्शक बंधु, आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को आनंद आए और मेरे को इंटरेस्ट आए और नया नया वीडियो लेके आ सकूँ, ठीक है। और जो 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 भाई लोग और बहन लोग जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद। जो नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं जो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कॉकटेल का ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। ब्रीडिंग का टिप्स लीजिए, आप कब कॉकटेल का ब्रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आज बताएँगे। दर्शक बंधु, ये जो है आप लोग देख लीजिए, ये मेल कॉकटेल है, ठीक है। मेल कॉकटेल जब ब्रीडिंग के लिए टाइम होता है आपका कम से कम 10 से 11 महीना, ठीक है। ये मेल है और मैंने मेल फीमेल अलग करके रखा है, ठीक है। ये है फीमेल, ठीक है। मैंने दोनों केजों में सेपरेट करके रखा हुआ है। ये है फीमेल, ठीक है। ये फीमेल है, देखिए ये जो पंख में देखिए इसका डॉट डॉट लगा हुआ है, ये फीमेल है। इसको मैंने सेपरेट कर रहा है, किसको इसका आई इन्फेक्शन हो गया था इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया था, तो उसका भी इलाज चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मेल फीमेल है, ये मेल जो ये फीमेल है, ये फीमेल आपका एडल्ट होता है लगभग 9 महीना हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम से वो थोड़ा एडल्ट होता है और उस टाइम से आप ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपरली ब्रीडिंग लेना है तो कम से कम उसको एक साल जाने दीजिए, ठीक है। यानी 12 महीना, 11 महीना से 12 महीना वो प्रॉपरली एडल्ट हो जाता है। अगर पहले आप कर भी सकते हैं 8-9 महीना में भी आप उसको ब्रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो मादी है या फीमेल है वो अंडे पर प्रॉपरली बैठता नहीं है और वो जो अंडा देता है वो कच्चा अंडा दे देता है, ठीक है। वो प्रॉपरली अंडा जो देता है कच्चा अंडा देता है और या अंडा दे भी दिया है तो प्रॉपरली बैठता नहीं है और बेकार का बेकार आपका ब्रीडिंग कराते हैं और अंडा वेस्टेज होता है, ठीक है। क्योंकि वो बैठता ही नहीं है साइड एंग से अंडे के ऊपर, क्योंकि उसको उतना उसको उतना बढ़ने के लिए मन नहीं करता है। तो और प्रॉपरली जब आप जनरली क्या होता है, फर्स्ट ब्रीडिंग जो होता है वो वेस्टेज जाता ही जाता है, ठीक है। और आप प्रॉपरली अगर ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो कम से कम मेल को कम से कम 12 महीना 13 महीना होना दीजिए और फीमेल को कम से कम 10-11 महीना 12 महीना होना दीजिए, 11 महीना 12 महीना हो दीजिए, उसके बाद आप ब्रीडिंग कराइए। तब क्या होता है, आपका जो एक का फर्टिलिटी क्या होता है वो बढ़िया से होता है और क्या होता है उसका ऊपर जो फीमेल बार्ड है वो अंडे के ऊपर प्रॉपरली बैठता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक चीज़। और जब आप लोग सोच लीजिए कि अगर 8-9 महीना में आके या 6-7 महीना में आपको ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो नहीं होगा। और 8-9 महीने में आप चाहे तो करा सकते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं होता है। आप लोग ज़बरदस्ती अगर लाके अगर नेस्ट बॉक्स देके 8-9 महीना में करा देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम में क्या होता है अंडा बेकार जाता है, वो मादी जो होता है वो प्रॉपरली अंडे के ऊपर बैठता नहीं है। और मैंने मेल फीमेल जो आइडेंटिफाई किया है कॉकटेल का, मेल फीमेल कैसा होता है, कौन सा सिम्टम देखने से पता चलता है, वो मैंने अपना मेरा जो और जो वीडियो है आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, कॉकटेल का मेल फीमेल कैसे पहचान करेंगे उसमें आप लोग सर्च कर उसमें और आप लोग देख लीजिएगा, ताकि उसमें पहचान हम करके दे दिया है कि कौन से फीमेल का पहचान कैसे करा सकते हैं और मेल का कैसे पहचान करें। ये मेरा दूसरा जो वीडियो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा मेरा वीडियोस में, ठीक है, नो द बार्ड्स टिप्स चैनल पर, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा मेल फीमेल कैसे पहचान कराता है कि उसी हिसाब से करता है। तो कम से कम मेल का जो है वो कम से कम 12 महीना से 13 महीना होना चाहिए और फीमेल का जो है वो कम से कम 11 महीना से 12 महीना होना चाहिए कम से कम। आप अगर थोड़ा और ज़्यादा दे सकते तो सबसे बढ़िया, क्योंकि अंडा प्रॉपरली जो एक जो देता है वो प्रॉपरली शेप में आता है
और थोड़ा बड़ा अंडा देता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप अंडा दे दिया तो वो छोटा छोटा अंडा दे देता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपको आप सोच रहे हो कि एक एक तो दे दिया है तो बच्चा तो मेरा चिक्स तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपरली एडल्ट होना पड़ता है, उसके बाद वो प्रॉपरली बैठता है। और ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम फास्ट ब्रीडिंग जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ही होता है, क्योंकि फास्ट ब्रीडिंग में कॉकटेल ये बैठता सही ढंग से नहीं है तो ऐसे ही भी वेस्टेज होता है। तो उसको प्रॉपरली आप बड़ा होने दीजिए, उसके बाद सही ढंग से आप करेगा ब्रीडिंग। नेस्ट बॉक्स लगाइए या कॉल जो आपका हंडी है वो हंडी देना पड़ेगा। और ब्रीडिंग के लिए बड़ा से बड़ा हंड मतलब कॉकटेल जो बड़ा बर्ड्स है तो थोड़ा इसको बड़ा हंडी देना पड़ता है। तो मेरा और भी वीडियो दिया हुआ है कॉकटेल के बारे में। और दूसरी बात है कॉकटेल का, मैंने क्या क्या खिलाने से कॉकटेल तंदुरुस्त होता है और ब्रीडिंग सही ढंग से कैसे अंडा फर्टिलाइज के, तो वो मेरा दूसरा वीडियो में दिया हुआ है, वो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। हाँ, जो फर्टिलाइटी के लिए क्या क्या देना पड़ता है वो सब कुछ मेरा चैनल में दिया हुआ है, आप लोग देखते रहिएगा। तो इसी तरह से आप लोग देखिए अच्छी तरह से, और हमेशा याद रखिएगा आप लोग ज़बरदस्ती से ब्रीडिंग मत कराइए, ठीक है। या कोई कैप्सूल देके ब्रीडिंग देके ज़बरदस्ती मत कराइए, इसमें क्या होता है बर्ड्स का जो होता है वो उम्र कम हो जाता है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती ब्रीडिंग तो कर देता है लेकिन प्रॉपरली एक नहीं निकलता है, और ज़बरदस्ती कराने से क्या है उसका उम्र घट जाता है, ठीक है। उसका उम्र के हिसाब से जो नेचुरल होता है उसका हिसाब से आप लोग कराइए, तभी मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि वो नेचुरल होता है उसका, जब एडल्टनेस आ जाता है उसके बाद आप लोग कराइए, ठीक है। इसी तरह से मैंने मेल और फीमेल सेपरेट किया हुआ, ये दोनों ही जो है, ये देखिए आप लोग, ये दोनों ही मेल है, ठीक है। ये भी मेल है, ये भी मेल है, और ये फीमेल है, ठीक है। अगर इसके बारे में आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं मेरे से तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। आप लोग जो भी चाहे जान सकते हैं मेरे से बर्ड्स रिलेटेड कमेंट्स जान सकते हैं, या कोई मेरे से कोई सेल करना चाहते हैं बर्ड्स सेल करना तो वो भी बोल सकते हैं, अगर मेरे से कोई ख़रीदना चाहता है तो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यही उम्मीद रखता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।